दोस्तों अभी जो आप सभी ये दृश्य देख रहे हैं ये बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का है। जी हाँ दोस्तों, ये दृश्य जो है बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि इन दिनों जो है पहाड़ी क्षेत्रों में सफ़र करना थोड़ा जो है खतरनाक हो चुका है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मानसून का मौसम आ गया है। दोस्तों आप सभी को बता दूँ, बद्रीनाथ राजमार्ग में नरकोटा रुद्रप्रयाग के पास एक चलती वाहन के ऊपर अचानक पत्थर आकर गिर गया, जिसमें से दो यात्री बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और फिलहाल उन दोनों यात्रियों को अस्पताल जो है भर्ती कर दिया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दूं, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इस समय जो खास करके उत्तराखंड के पहाड़ है, ज़्यादातर भूस्खलन पहाड़ है और यहाँ पर अक्सर जो है शाम में आजकल बारिश हो रही है, जिस वजह से यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है पहाड़ है वो थोड़ा कमज़ोर हो जा रहा है और अचानक कभी भी पत्थर गिर जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी को मैंने यमुनोत्री मार्ग का दिखाया था कि अचानक वहाँ पर भी गाड़ी के ऊपर पत्थर आकर गिर गए थे, और आज बद्रीनाथ यात्रा मार्ग में भी ये मामला देखने के लिए मिला है कि चलती गाड़ी के ऊपर पत्थर आकर गिर गया, जिसमें दो यात्री जो हैं बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी भी इन दिनों यात्रा कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र में, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक यात्रा करें। बेवजह कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र में आप सभी गाड़ी ना रोके और आप सभी कोशिश करें सुरक्षित आप सभी हर जगह से पास कर जाएं। तो दोस्तों ये रहा बद्रीनाथ धाम का आज का अपडेट, देख सकते हैं ये बहुत ही डरावनी दृश्य है, देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन फिलहाल और जो भी यात्री थे वे सभी सुरक्षित हैं और दो ही यात्री जख्मी हुए हैं। तो दोस्तों आगे अगर इसके बारे में और कोई अपडेट रहेगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।